श्री गणेशाय नमः। नमस्ते। राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन के तत्वबोध व्याख्यान माला के अंतर्गत आयोजित आज के इस सत्र में मैं आप सभी विद्वजनों का, पांडुलिपि अनुरागियों का और मिशन के शुभचिंतकों का स्वागत करता हूं। आज का विषय है पांडुलिपि संग्रह और आधुनिक भारतीय संदर्भ में उनका महत्व, और वक्ता है प्रोफेसर विरूपाक्ष वी जड्डीपाल, जो सचिव हैं महर्षि सांदीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान उज्जैन के। साथ ही वो सदस्य हैं NMM के नेशनल एम्पावरमेंट कमिटी के। आज की अध्यक्षता करेंगे प्रोफेसर सच्चिदानंद जोशी, जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के सदस्य सचिव हैं। गत माह हमने वैयाकरण शास्त्र को संपादित करने की वर्तमान प्रवृत्तियां विषय पर चर्चा की थी, और वक्ता थे प्रोफेसर मल्हार अरविंद कुलकर्णी, जो IIT मुंबई के ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंस डिपार्टमेंट के इंस्टीट्यूट चेयर प्रोफेसर हैं। जैसा कि आप जानते हैं, मिशन की स्थापना पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा फरवरी 2003 में पांडुलिपियों के संरक्षण और भारत की विशाल पांडुलिपि संपदा में सन्निहित ज्ञान को अनावृत करने के उद्देश्य से की गई। भारत में पांडुलिपियों का एक लंबा इतिहास है। देश की मौखिक परंपराओं को कम्प्लीमेंट करती ये पांडुलिपियां दर्शन, धर्मशास्त्र, कला, साहित्य और विज्ञान के रूप में विविध ज्ञान को समेटे हुए अनुभव, विचार और व्यवहार में भारत की बहुलतावाद ने विभिन्न पांडुलिपियों के व्याख्याओं को फलने और फूलने का अवसर प्रदान किया। भारत के पास 1 करोड़ से अधिक पांडुलिपियां होने का अनुमान है, जो शायद दुनिया का सबसे बड़ा संग्रह है। विभिन्न भाषा, लिपि एवं विषयों में होने के कारण अभी तक हम कुछ ही पांडुलिपियों तक पहुंचे हैं। इसके लिए जन जागरण की जरूरत है। जीवन यापन से संबंधित ऐसा शायद ही कोई विषय हो जो हमारे पांडुलिपियों में नहीं है, और इसी उद्देश्य से मिशन ने 2005 में तत्वबोध व्याख्यान माला का आयोजन शुरू किया। तत्वबोध का अर्थ है ज्ञान के आधारभूत तत्व को समझना। अभी तक हुए व्याख्यानों को तत्वबोध प्रकाशन श्रृंखला के अंतर्गत 7 वॉल्यूम में प्रकाशित किया जा चुका है, जो मिशन के वेबसाइट पर उपलब्ध है। लगभग 2 वॉल्यूम में प्रकाशित करने योग्य सामग्री तैयार है, जो अगले कुछ महीनों में प्रकाशित हो जाएगी। COVID-19 महामारी के कारण हमने मई 2020 में तत्वबोध का ऑनलाइन सीरीज शुरू की। हरेक महीने के अंतिम रविवार को शाम 5 बजे हम देश के मूर्धन्य विद्वानों को इस कार्यक्रम में जोड़ने का प्रयास करते हैं। आपका सहयोग इसमें वांछनीय है। आज के वक्ता हैं प्रोफेसर विरूपाक्ष वी जड्डीपाल। आप पारंपरिक एवं समकालीन शिक्षा व्यवस्था दोनों में पूर्ण रूप से निपुण हैं। पारंपरिक माध्यम से आपने डीलिट, विद्यावारिधि, PhD इन साहित्य और मीमांसा शास्त्र, अलंकार शास्त्र में MA किया है। इसके साथ ही मॉडर्न स्ट्रीम समकालीन शिक्षा पद्धति में आपने संस्कृत में MA किया है, इंग्लिश लिटरेचर एंड लैंग्वेज में MA किया है, एंशियंट इंडियन हिस्ट्री एंड एपिग्राफी में आपने MA किया है, और फिलोसॉफी और रिलीजन में आपने MA किया है। इसके साथ ही मास्टर ऑफ पब्लिक मैनेजमेंट MPM आपने किया है, PG डिप्लोमा इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आपने किया है, योग विज्ञान में आपने PG डिप्लोमा किया है, और जर्मन लैंग्वेज में सर्टिफिकेट से आप सम्मानित हैं। आप संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, कन्नड़, कोंकणी, तेलुगु, प्राकृत, पाली और उड़िया, इन आज सभी भाषाओं में भाषाओं को जानते हैं और उसमें अपनी रचनाएं कर रहे हैं। भाषा इंडोनेशिया और जर्मन लैंग्वेजेस के साथ आपने वर्किंग नॉलेज कोर्स किया हुआ है। आपने कृष्ण यजुर्वेद तैतरी शाखा में उपनिषद और आरण्यक का अध्ययन किया है। वेद पाठ और मंत्रों का उच्चारण के बारे में आपने योग संस्थान से आपने इसके ऊपर में शिक्षा की है। आप
विभिन्न डिसिप्लिन्स के ऊपर में आपने काम किया है, उसमें साहित्य शास्त्र, अलंकार शास्त्र, धर्मशास्त्र, योग विज्ञान आदि प्रमुख हैं। इसके साथ ही आपने इंडियन आर्ट फॉर्म्स एंड आर्किटेक्चर, कन्नड़ लिटरेचर लिंग्विस्टिक्स, प्राकृत पाली और फंडामेंटल पाली टेक्स्ट लाइक मुगलम एंड धम्मपद आदि के ऊपर में काम किया है। आपने अभी तक लगभग 100 के करीब रिसर्च पब्लिकेशंस किए हैं। आपके अंडर में लगभग 40 विद्यार्थियों ने पीएचडी का कोर्स किया है और काफी मतलब आप ये सब मैंने शॉर्ट में कहीं कहीं से उठा करके आपके बायोडाटा से पढ़ा है। इससे पता चलता है कि आज के विषय को समझने के लिए और उसके ऊपर में बोलने के लिए आपसे उपयुक्त आदमी और विद्वान मिलना हमारे लिए एनएमएम के लिए असंभव है। इसके साथ ही आप महर्षि बादरानी व्यास सम्मान माननीय राष्ट्रपति भारत सरकार से भी सम्मानित हैं। आपने एनएमएम के अंतर्गत इस बृहद विषय पर अपना व्याख्यान देने की सामर्थ्य प्रदान की, इसके लिए मिशन आपका आभारी है और आपका स्वागत करता है। आज के अध्यक्ष हैं प्रोफेसर सच्चिदानंद जोशी, जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के सदस्य सचिव हैं। आप एक कुशल प्रशासक के साथ साथ शिक्षाविद, कलाविद, साहित्यकार, इतिहासकार, लेखक और कवि हैं। आपकी कई कहानी संग्रह और कविता संग्रह प्रकाशित हो चुकी है। गत सप्ताह आपकी कृति पुत्र कामेष्ट का विमोचन हुआ है। आपके संरक्षण में मिशन का कार्यकलाप अग्रसर हो रहा है। आपने इस कार्यक्रम की अध्यक्षता स्वीकार की, इसके लिए मिशन आपका आभारी है और आपका स्वागत करता है और आशा करता है कि आप जल्दी ही इस कार्यक्रम में ज्वाइन करेंगे। प्रोफेसर जड्डीपाल जी, अध्यक्ष के एब्सेंस में मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपना व्याख्यान प्रारंभ करें। सभी को प्रणाम। मैं चाहता हूं कि शुरू में कुछ पंक्ति संस्कृत से शुरू करूं। अतुलित बलधामन हेम शैलाभदेहम ध्वजवन कुशानम ज्ञानिनामग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वातजातम नमामि बुद्धिर्बलम यशोधैर्यम निर्भयत्वमरोगता अजाड्यम वाक्पटुत्वं च हनुमत्स्मरणात्। माननीयाः, राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन इति संस्थायाः अधिकारिणः, तस्याः संस्थायाः सदस्य सचिवाः आचार्याः श्रीमन्तः सच्चिदानन्द जोशी महाशयाः अत्र समक्षं न विद्यन्ते, किन्तु संस्थायाः प्रमुखाः इति तेषां स नामग्रहणम् अहम् अभिनन्दामि तान् एतस्य अवसराय। अत्र पुरतः विराजन्ते अधिसन्धि श्रीमन्तः प्रतापानन्द झा महाशयः, माकिं विंशति वर्षेभ्यः परिचिताः सन्ति राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन इत्यत्र इन्दिरागान्धी राष्ट्रीय कलाकेन्द्रे अधिकारिणः, तथैव सर्वरुल हक महाशयाः शोधोपाधिना विभूषिताः अत्र पुरतः सन्ति राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन अधिकारिणः, भवतां समेषां विशेषतः वंदनानि समर्पये। अन्ये च अत्र प्रतिभागिनः सन्ति अधिसन्धि ऑनलाइन, अत्र उपस्थिताः सन्ति सर्वेपि, भवतां समेषामपि सायं अत्र व्याख्याने उपस्थिति हेतोः अभिनन्दनं समर्पयामि। इतः परं लौकिक्या भाषया भाषे, इसी के बाद में हम लोग सभी के सुबोध हो इसलिए कि हिंदी में बात करेंगे, लेकिन बात यही है संस्कृत का, सुलभ संस्कृत में अगर हम लोग बात करेंगे तो ये सबको सुबोध है, इसमें कोई मुझे विश्वास की कोई कमी नहीं है। सभी को संस्कृत तो बहुत सुलभ है, सबको समझ में आएगा ही, तथापि बीच बीच में संस्कृत को भी जोड़ेंगे और हिंदी को भी साथ में
इसी में विशेषतः बात करेंगे, और मेरी हिंदी में अगर कोई कमी हो तो थोड़ा बहुत आप समझ के आप इसको भूल चूक सुधार कर सकते। सबसे पहले हमको यह देखना है, जो विषय है पांडुलिपियों का संग्रह कलेक्शन, और अद्यतन स्थिति में इन पांडुलिपियों का महत्व। मुझे कई बार लगा कि यह विषय मैं क्यों दिया, बहुत दिन से मैं सोच रहा था कि ऐसा ही कोई विषय पर बात करें, कोई अवसर मिला, मैंने सोचा यही विषय पर बात किया जाए। यह विषय क्यों प्रस्तुत है मैं दो तीन वाक्यों में बता दूंगा। एक बार एक किताब छप जाएगी, जैसे महाभारत की किताब छप गई तो लोग पूछते हैं एक बार छप गया उसका दोबारा क्यों उपयोग है। तो हमने सर्वे कर लिया, कलेक्शन कर लिया, एक जगह रख दिए, किताब छप गया तो इस कलेक्शन का क्या उपयोग है, हमारे पास तो छपी हुई किताब है, सीधी सीधी बात है। तो जो हमारे पास में पांडुलिपियों का संग्रह है, इसका मोटे तौर पर जिसका प्रकाशन हो चुका है, इसका क्या उपयोग है? ये सामान्य लोगों को इस पर बहुत बड़ा प्रश्न उठता ही है। हमारे पास में जो संग्रह है, भारत में जो 50 लाख मातृकाओं का, मतलब भारत से बाहर जो भी मतलब सर्वे में आया है कि लगभग इतना हो सकता है, इतना बड़ा संग्रह है। इसमें ऐसी भी पांडुलिपियां हैं जिनका मल्टीपल कॉपीज हैं, और कई पांडुलिपियों का एक ही कॉपी है, ये मतलब एक ही है। कई ऐसी भी प्रतियां हैं जिसको मूल ग्रंथकर्ता ने लिखा है, उसी का स्वाक्षर है, जिसको ऑटोग्राफ है। कुछ ऐसे हैं जो परंपरा से लगभग हो सकता है 1000 उसकी वंश में कॉपी हो गई हो, 1000 जगह में कॉपी हो गई हो, तो तरह तरह के पांडुलिपियां हैं। तथापि किसी भी पांडुलिपि का अगर किसी ने छाप दिया, अगर उसका एडिशन हो गया, उसके बाद में उतना पांडुलिपियों का क्या महत्व है, यह एक बहुत बड़ा प्रश्न सामान्य लोगों के मन में होता ही है, लेकिन विद्वानों के मन में कोई संदेह नहीं है, यह भी मैं बताना चाहूं। लेकिन सामान्य लोगों के मन में यह जरूर है, इतना बड़ा संग्रह करके उसमें हर दिन जो है ना वो धूलि को कोसते हुए दूर करते हुए क्या महत्व है। उसको पढ़ने वाले तो कुछ ही स्कॉलर्स हैं, और इस तरह से प्रश्न है, संदेह है। मैं आपको एक विशेष पॉइंट पर ले जाना चाहूंगा। 93 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह एक संस्कृत का एक जजमेंट दिया, वहां माननीय न्यायाधीश हंसारिया साहब थे, उस टाइम के जस्टिस साहब। उस जजमेंट में पहली पंक्ति में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय का एक घटना लिखी गई, यह हमेशा के लिए याद रखने वाली घटना है, क्योंकि दो दृष्टि से है, एक तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का वचन है, दूसरा यह है कि हम सभी लोगों के लिए जो इस तरह से धरोहर की रक्षा करते हैं उन सभी के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा कही हुई बात है, यह लॉ है जिसको हम क्रॉस कभी कर नहीं सकते। उसमें यह बात है, द्वितीय विश्व युद्ध के समय में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के किसी कमरे में एक बड़े आचार्य प्रोफेसर ने अपने किताब पढ़ते दिखे, तो उस सैनिक महाशय ने पूछा, दुनिया भर में युद्ध छिड़ा हुआ है, आप अपनी किताब पकड़े इस कमरे में बैठे हुए हैं, किताब पढ़ रहे हैं, तो क्या आपको दुनिया में जो बात हो रही है उसका क्या कोई फिक्र नहीं है, आपको चिंता नहीं है? उसमें जो प्रोफेसर बैठे हुए थे ऑक्सफोर्ड के कमरे में, उस आचार्य का यह वचन था, युद्ध जंग चल रहा है, उसमें देश की चार दीवारी को सैनिक रक्षा कर रहे हैं, उसी तरह से जो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय का जो प्रोफेसर कमरे में बैठे हैं, वह जो सांस्कृतिक धरोहर है, जो चिंतन है, उसकी रक्षा करने के लिए अपने कमरे में बैठ के वो लोग चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, नए ज्ञान के सर्जन के लिए प्रतिदिन मेहनत करते हैं। मेरा कहना यह है
यह जो हमारी परंपरा का धरोहर है जिसको हम पांडुलिपि कहते हैं, वह पांडुलिपि भी ऐसा महत्वपूर्ण विषय है, इसका जो मूल्य है, वैल्यू है, कभी घटेगा नहीं। जिसका वैल्यू है ऐसे चीज को हम कभी फेंक नहीं सकते, अपने से दूर नहीं कर सकते। जिसका वैल्यू हमेशा के लिए है, शाश्वत है, इसका वैल्यू कंफर्म्ड वैल्यू है, जो मतलब आप इस इतने वैल्यू है ये कहीं नहीं सकते हैं, जिसके लिए बोलते हैं हम लोग अमूल्य संपदा है। इसको किसी और संपदा से तुलना करना उचित नहीं होगा, जिसका कोई अतुलनीय है जिसको कहा। तो इसलिए जो मानुस्क्रिप्ट पांडुलिपि संग्रह है और उसका जो रिलेवेंस है, मैंने समझा कि इतने बातों से ही मैंने सभी पांडुलिपियों का, चाहे वो ऑटोग्राफ हो, चाहे वो कॉपियों का कॉपी हो, या ये हजारों सदियों में हजारों हाथों से कॉपी होके हमारे तक पहुंचा हो, इन सभी पांडुलिपियों का महत्व सांस्कृतिक धरोहर है, हमारा कल्चरल ये संपदा है, हेरिटेज है, ऐसे कहने से ही पूरा समझ में आ जाए। अब हम लोग बात करते हैं, क्योंकि समाज से जोड़ना जरूरी है किसी भी बात को। आज श्राद्ध पक्ष चल रहा है, मैं हमेशा अपने छात्रों को कहता रहता हूं, देखिए श्राद्ध करने का जो मौका हरेक को मिलता नहीं, प्रत्येक पांडुलिपि में जितनी भी आत्माएं हैं, जितने छुपे हैं, जिसने उस ग्रंथ को लिखा, जिस ग्रंथ का निर्माण किया, जिसने लिखा, जिसने कॉपी किया, सभी का जो आत्मा है, अगर उसका संपादन न हो, वो सभी पांडुलिपियों में छुपा हुआ। उसने एक एक अक्षर लिखने में कितने महत्व, कितना महत्व, कितना मतलब प्रयत्न किया होगा, वॉट इफर्ट ही डिड इन कंपोजिंग द मैन्युस्क्रिप्ट, कंपोजिंग द टेक्स्ट, राइटिंग द टेक्स्ट, राइटिंग डाउन द टेक्स्ट एंड प्रिजर्विंग इट। तो सभी लोगों का जो आत्मा है वह उस पांडुलिपि से जुड़ा हुआ है। अगर इस श्राद्ध पक्ष में ऐसे मातृकाओं का, पांडुलिपियों के बारे में अगर बताने का मौका मिला, मैं समझता हूं कि भी यह भी बहुत बड़ा उत्कृष्ट एक अवसर है। अर्थात कोई भी व्यक्ति अगर पांडुलिपि का उद्धार करेगा, आप समझ लीजिएगा कोई भी आत्मा का श्राद्ध करने का जो पुण्य प्राप्त होता है, तो वह पुण्य उसको प्राप्त होगा, क्योंकि समाज में श्राद्ध पक्ष के लिए इतना महत्व है, इतना श्रद्धा है, पांडुलिपि के लिए भी उतना श्रद्धा रखना, उतने ऊंचा इसे श्रद्धा रखना बहुत जरूरी है, तभी जाके पांडुलिपियों का रक्षा होगा, उसका संग्रह बढ़ेगा, उस पर लोग कार्य करेंगे, नहीं तो केवल ये लाइब्रेरी का संग्रह रह जाएगा और जिसको उस पर बहुत दृष्टि है वही आके खोजेगा, नहीं तो क्या होगा, पांडुलिपियों का जो छपा हुआ जो ग्रंथ है उसी को लेके अनुसंधान चलेंगे और उसी उसी का ही तुलनात्मक अध्ययन होगा, उसका क्रिटिकल एडिशन होगा दोबारा, ऐसे ही विचार चलते रहे। और हमारा असली बात पर हम लोग अब आएंगे, मैनुस्क्रिप्ट कलेक्शंस, देयर इंपॉर्टेंस इन मॉडर्न इंडिया, आधुनिक जगत में, आधुनिक भारत, आधुनिक प्रपंच के लिए, आधुनिक सोच के व्यक्तियों के लिए, ये जो पुराने धरोहर है, पांडुलिपि है, इसका क्या महत्व। सबसे पहले ये मुझे बताना होगा, जो ट्रेडिशनली जो बातें रही हम लोग कक्षाओं में चार दीवारों के बीच में दो साल पहले, आज नहीं, आज तो ठीक है कोरोना के कारण में हम लोग ऑनलाइन में जुड़े हैं, लेकिन दो साल पहले हम लोग चार ही दीवारी के बीच में छात्रों को समझाते थे कि ये पांडुलिपि का यह महत्व है, ये पांडुलिपि का यह महत्व है। आज के दिन में हम ये कहेंगे, संपूर्ण प्रपंच को जोड़ने वाली ये मातृकाएं हैं, ये पांडुलिपियां हैं, और जिसको कहते हैं रिकैपिटुलेशन, हमारा समाज कैसे आया, हमारा समाज में ज्ञान की धारा कैसे प्रवाहित हुई, द नॉलेज ट्रेडिशन हाउ इट हैज फ्लोन थ्रू द एजेस, इसको बताने के लिए यह पांडुलिपियां बहुत महत्वपूर्ण है। पूरे इस दुनिया का, इस दुनिया में ज्ञान की कड़ी कैसे बनी, इसको हमको समझाना। देखिए सबको ये पता है, एकेडमिकली शैक्षिक दृष्टि से सब लोग पढ़ते हैं, सभी विश्वविद्यालयों में पढ़ते हैं,
भारतीय धरोहर है, एक पंचतंत्र कहानियों का संग्रह है, पंचतंत्र। इस पंचतंत्र को दुनिया में 540 से लेके अभी तक, लोग बताते हैं कि 540 के आसपास थे, वहां से लेके अभी तक लगभग इसका दुनिया के सभी भाषाओं में इसका अनुवाद हुआ है या एडाप्टेशन हुए हैं। कई जगह तो अनुवाद ही हुए हैं, कई जगह इसका एडाप्टेशन हुए हैं। इसकी कहानी का इर्द गिर्द में ही पूरी कहानियां घूमती। इसके ऊपर में इसके जहां जहां पांडुलिपियां मिलती हैं उन सभी के ऊपर में अनुसंधान हुआ। उसमें मूर्धन्य विद्वान हुए, द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पंचतंत्र, फ्रैंकलिन एडगर्टन। उन्होंने जहां जहां उस समय में उपलब्ध था, लगभग 1920 के आसपास से उन्होंने शुरू किया, लगभग 1940 तक जो है ना 20-22 साल का ये पूरा अनुसंधान उनका चला। दुनिया में कहां कहां पंचतंत्र से संबद्ध पांडुलिपियां मिली और उसका संग्रह कहां कहां रहा, पूरे पंचतंत्र का घूमना, इसका जो जहां जहां पंचतंत्र का ग्रंथ गया, उन सभी ग्रंथों का उन्होंने विमर्श किया। उसके बाद में पंचतंत्र को उन्होंने रिकंस्ट्रक्ट किया, जिसको दोबारा बताता हूं, उसका जो है ना रिकंस्ट्रक्शन, पुनर्निर्माण। यह पुनर्निर्माण की बात क्यों कहना पड़ा मुझे, आज के दिन में हम लोग सीधा सीधा यह पढ़ते हैं, मित्र लाभ है, मित्र भेद है, आकोलुकियम है, असमीक्षित कारित्वम है, लब्ध प्रणाश। ये जो पांच टेक्निक जो बोलते हैं राजनीति का, जो टेक्निक है या जो भी है अच्छे मार्ग पर जाने के लिए नीतियां हैं, यह सभी, ये जो पांच टेक्निक पंचतंत्रम में जो छिपी है, यह विष्णु शर्मा द्वारा मूलतः बनाया हुआ है, लेकिन आज के दिन में जो छपा हुआ जो ग्रंथ है ये एडगर्टन साहब का रिकंस्ट्रक्टेड टेक्स्ट के ऊपर। एडगर्टन साहब ने इसको रिकंस्ट्रक्ट किए, द पंचतंत्र, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पंचतंत्र के नाम से, अर्थात दुनिया में दुनिया का संबंध को स्थापित करने के लिए जहां जहां हमारा शैक्षिक धरोहर गया है उसका जो संबंध है वो पांडुलिपि के द्वारा स्थापित हुआ। अरब देश में भी जो भी कहानियां हैं, इस तरह के कहानियां हैं, उसका मूल में यह जो पंचतंत्र है, व्यापारियों द्वारा जो आप्रवासी लोग आए थे भारत में, उन्होंने जो भी ग्रंथ जहां देखे, पांडुलिपियां देखी, उस तरह से हो सकता उन्होंने मूलता ले गए हों और उसके ऊपर में बदलाव के साथ में कुछ इस तरह से कहानियां भी अपने यहां मनोरंजन के लिए, इस तरह से कहानियां संपूर्ण विश्व में ये जो पंचतंत्र का ढाका बजा दिया था उन्होंने उस जमाने, इसलिए इतना पॉपुलर टेक्स्ट हुआ। तो इससे आपको पता लगता है एक ग्रंथ के माध्यम से जो हमारा वैदेशिक संबंध है, सांस्कृतिक धरोहर है, कहां तक पहुंचा। जो कहा जाता है रवि जो है ना, सूरज जो है क्रांतदर्शी है, वो आंख खोलते हुए ही उसके किरणें कितने कितने दूर जाती, सुबह सूर्य उदय होते ही। उसी तरह से ये जो पांडुलिपि का जो धरोहर है वो आदमी के साथ में उसके बुद्धि की तीक्ष्णता के साथ साथ में दुनिया भर घूमती, उसमें ये भारतीय पांडुलिपियों का महत्व, जो अभी एनएमएम में है, जिन्होंने सर्वे कराया है पूरे प्रपंच में, उनको ये बारीकी से देखेंगे तो ये पूरा उनके दृष्टि। मैंने एक उदाहरण दिया कहानी के तरफ से। और एक बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है जो सब लोग पढ़ते हैं, महाभारतम, क्योंकि मैं धीरे धीरे एक एक ग्रंथ को लेके आऊंगा। महाभारत को देखिए, महाभारत
ये लगेगा कि ठीक है इतना बहुत बड़ा ग्रंथ है, उसमें एक सूत्र लिखा हुआ है जो महाभारत का सूत्र है, यदि हास्ति तदन्यत्र यन्ने हास्ति न तत्क्वचित। जो महाभारत में है वह दुनिया में है, जो महाभारत में नहीं है, नहीं दिखता है, ग्रंथ में नहीं है, वो दुनिया में कहीं नहीं। यत इह अस्ति तद अन्यत्र, यत इह नास्ति तद अन्यत्र नास्ति। जो महाभारत में वर्णित है, जो जो चिंतन किया हुआ है, वो दुनिया में हो सकता थोड़ा विस्तृत रूप में होगा, उसका शाखाएं प्रशाखाएं होंगी, लेकिन महाभारत में जो बात नहीं है, अगर मान लीजिए कोई बात नहीं है ऐसा लोग कहेंगे, वो शायद आपको बीज रूप में भी दुनिया में कहीं दिखने नहीं, उस तरह का उसमें चिंतन है। तो आप सोचिए ये जो महाभारत का जो कहानी का विस्तार है, महाभारत का जो घटनाओं का विस्तार है, इसका अलग अलग नाम से है। हम महाभारत कहते हैं, उधर वियतनाम के पास में इंडोनेशिया का एक छोर में उसको बोलते हैं भरत युद्ध। वहां कब मिला है? 10वीं शताब्दी का पांडुलिपि मिली, जो भाषा इंडोनेशिया में वो जवनीज भाषा में लिखी हुई पांडुलिपियां मिलती हैं। माउंट मेरापी के नीचे एक पंडित का घर था, वहां जो उस जमाने का पंडित था अराउंड 1950-51 में, वो पूरी जो है जकार्ता के म्यूजियम में ये पांडुलिपियां रखी गई, आप लोगों के संग्रह में लिस्टेड भी हो सकता है। वहां पूरे आगम ग्रंथ के पांडुलिपियां हैं जकार्ता के म्यूजियम में। एक गायत्री देवी की एक अप्रतिम प्रतिमा है जो भारत में कहीं नहीं होगी, गायत्री की प्रतिमा है जो जकार्ता के सेंट्रल म्यूजियम में। वहां जकार्ता में ये संग्रह है भारत युद्ध का, जो पांडुलिपियां थी उनको रघुवीर साहब ने भारत से मुद्रित कराया है, लेकिन पांडुलिपि वही है, उनको मिली थी। और मेरा कहना यह है पांडुलिपियां वो बहुत पुराने सदियों से, पुराने समय से वहां होंगी, उसका शाखाएं प्रशाखाएं बाली और वियतनाम तक आपको उसके कहानियां, एक एक कहानियां वहां तक मिलती है। आप ये समझ लीजिए जो हमारा सॉफ्ट डिप्लोमेसी की बात आज हम करते हैं, तो उसको 10वीं शताब्दी उससे पहले भी इस तरह से पांडुलिपियों पर विद्वानों ने जिस पांडुलिपियों का यहां से ट्रांसमिशन कराया, ग्रंथ लिखा और उस ग्रंथ को दूसरे को पढ़ाया, इसी पांडुलिपि का संग्रह का फल है। उन्होंने किसी एक लाइब्रेरी में होगा, किसी राजा के यहाँ था, उस राजा ने वहां भेंट किया और उस भेंट से वह ग्रंथ वहां पहुंचा, विद्वानों ने इसको बुद्धिस्ट किया। और एक बहुत बारीकी बात है, संस्कृत में एक बहुत प्रसिद्ध कवि हुए और एक साहित्यकार हुए दंडी, और एक बहुत बड़े महाकवि हुए श्रीहर्ष। वहां श्रीहर्ष के एक पंक्ति जो नैषधीय चरितम में है, वह पंक्ति कॉम्बोडिया के एक शिलालेख में मिलती है। आप सोचिए कितना सूक्ष्मता से उन्होंने अध्ययन किया। एक पंक्ति है बहुत प्रसिद्ध है, चेतो नलम कामयते मदीयम नान्यत्र कुत्रापि च साभिलाषम। ये पंक्ति चेतः मनस जो है नलम कामयते, नल में इच्छा रखती है, इच्छा है, अगर नल नहीं मिला, चेतः अनलम कामयते अर्थात आग में कूद जाऊं, यह वचन है। इस तरह का जो सिमिलर पंक्ति है ये इसी मॉडल पर ट्रांसमिट हुआ, यह पंक्ति है कॉम्बोडिया में 10वीं 11वीं शताब्दी में एक शिलालेख में मिलती है एक पंक्ति। अर्थात मेरा कहना यह है जो देश के धरोहर है, ग्रंथ है, पंक्तियां हैं, जो चमत्कारक पंक्तियां हैं, ये पंक्तियां हमारे देश के जो जिसको मूल्य इतना है हम कह नहीं सकते। हम और अपने दूसरे देशों का संबंध था, संबंध में हमारे पांडुलिपि धरोहर से
जो बातें निकली वो रही। यह बातें हमको बार बार कहना है ताकि यह सुस्थिर होना चाहिए कि इसका हमेशा महत्व। और केवल अब हमने सोचा है कि काव्य के दृष्टि से सोचा, आगे थोड़ा सा हम लोग जाएंगे। एक वेलकम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है, यूके में है, उससे जुड़े हुए एक बड़े वैदेशिक संस्कृत विद्वान है, बहुत उन्होंने कनाडा में भी काम किए हैं, भारत में भी पांडुलिपियों का काम किए हैं, डोमिनिक वुजास्टिक जिनका नाम सब लोग जानते हैं, उन्होंने नेपाल में भी काम किए हैं, इंडो जर्मन नेपाल जर्मन मैनुस्क्रिप्ट प्रोजेक्ट में, और भी दुनिया के कई जगह में उन्होंने काम किया है। अगर आप वेलकम इंस्टीट्यूट के पांडुलिपियों का संग्रह देखेंगे आपको बहुत आश्चर्य होगा। वहां का जो आयुर्वेद पांडुलिपियां हैं, वे पांडुलिपियां हमारे भारत के धरोहर थी, और जो ब्रिटिश ऑफिसर्स इंडिया में काम किए, कलेक्टर के रूप में काम किए या किसी भी मिंट में काम किए थे, जो कॉइन्स को मिंट करते थे, या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में कंपनी के सर्वेंट्स के रूप में काम किए, उनके अद्भुत समर्पण भाव से उन्होंने उसको संग्रह किया। शायद उस जमाने में अगर वो संग्रह नहीं किए होते, कई पांडुलिपियां इतनी ब्रिटल पांडुलिपियां अभी है, वह पांडुलिपियां उतने दूर में भी संरक्षित है। हम तो यह कह सकते हैं कि इतने पांडुलिपियों में जो जो ज्ञान भर पड़ा है वह सभी मानवता के लिए उपलब्ध है। अभी हमारा काम बचा हुआ है जो हम इस संग्रहों के ऊपर काम करें, इसमें जो निहितार्थ है, जो आंतरिक अर्थ है, जो मानवता के लिए जरूरी है और आज जो प्रस्तुत है उसको हम लोग संग्रह करें। उसी तरह से एक बहुत रेयर ग्रंथ है जो राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, जो अभी केंद्रीय विश्वविद्यालय है, सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी दिल्ली में है, जिसके एक बिहार में गुमानी कवि थे, उनका वैद्य संग्रह गुमानी शतकम है, 100 श्लोकों का वैद्यकीय के ऊपर में ग्रंथ, अभी भी राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान में यह उपलब्ध है, यह छपा हुआ है, और इसका संग्रह बड़े आचार्य विद्वान पंडित रामकरण शर्मा जी ने लगभग 97-98 में संग्रह करके प्रकाशित कराया था। अत्यमूल्य ग्रंथ है, जो गांवों में, देहात में, जो वैद्यकीय के ऊपर में जो जिस जिसका उपयोग किया जाता है उसका संस्कृत में यह ग्रंथ है, जो पांडुलिपि में निबद्ध था, उन्होंने इसको अंग्रेजी अनुवाद किया, हिंदी अनुवाद किया, संस्कृत के श्लोक के साथ में छपाया है, ये अभी भी उपलब्ध है सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली। मेरा कहना यही है, यह जो ग्रंथ है जिसमें कई सारे फॉर्मूला हैं, आज के दिन में जो बहुत बड़े कंपनियां आयुर्वेद के तरफ जा रही हैं, जो मेडिसिन ढूंढ रही हैं, नई नई जो दवाई के लिए मेहनत कर रहे हैं, इसमें कई ऐसे फॉर्मूलाए हैं, जो सूत्र हैं, जिन सूत्रों के आधार पर नए दृष्टि हेतु आंखें खुल सकती हैं, अनुसंधान के द्वार बन सकते हैं। तो इसलिए यह जो पांडुलिपियों का संग्रह अलग अलग विषयों का है, उसके बारे में मैंने एक मोटा मोटी तौर पर आपके सामने प्रस्तुत किया। अब हम जाएंगे प्रत्येक जो प्रसिद्ध ग्रंथालय है, प्रसिद्ध संग्रह है, वहां थोड़ा सा दृष्टिपात करेंगे, इससे और भी कुछ दिशाएं खुलेंगी, क्योंकि विषय इतना विस्तृत है कि इसको एक जगह समेटना थोड़ा असंभव ही होगा निश्चित समय में। लेकिन अब हम आते हैं भारत के मुकुट प्राय कश्मीर से आते, प्रार्थना तो हम हमेशा करते हैं समुद्र जो है ना कश्मीर के लिए, जहां संग्रह है जो हजरत बल श्राइन में, जो बहुत बड़ा संग्रह है, लगभग 80,000 के आसपास में उनका सभी संग्रह है,
जो शारदा लिपियों के मात्रकाएं हैं, पांडुलिपियां हैं, यह सभी संग्रह गर्मियों में जो अंग्रेज कलेक्टर घूमने के लिए जाते थे और उधर पहाड़ पर जाते थे, उस समय में उन्होंने देखा कुछ लोग इसको पकड़ के, जो पांडुलिपि को पकड़ के वो कपड़े में लपेटे हुए हैं और उसको लोग प्रतिदिन पढ़ते हैं। उनकी रुचि जागी, इसमें कोई विशिष्ट नॉलेज होगा, कोई ज्ञान होगा, ये लोग इसलिए इसको प्रतिदिन पढ़ते। बाद में धीरे धीरे यह संग्रह हुआ, ऐसा यह संग्रह बना विश्व का, इतना अमूल्य शारदा लिपियों का यह संग्रह बना। इसमें तो कई ऐसे शाखाएं भी होंगी, बहुत बारीकी से अगर देखेंगे तो ऐसे शाखाएं इसमें निकलेंगी, ज्ञान की शाखाएं। आज हम लोग सोचे हैं कि ये लगभग ये समाप्त हो गया है, ऐसा सोचते हैं, ऐसे ज्ञान शाखाओं का संग्रह इन पांडुलिपियों में है, हमको इनकी इनका अच्छे से उनको देखना होगा, परिशीलन करना। कारण इसलिए बता रहे हैं, एक अथर्ववेद की शाखा है जिसको पैप्पलाद शाखा बोलते हैं। जिस पैप्पलाद शाखा का अभी तक जो अनुसंधान रिसर्च हुआ है, इसका दो ही केंद्र माने जाते हैं, एक तो ओडिशा उत्कल राज्य, दूसरा इसका जो सोर्स है, स्रोतस जिसको कहते हैं, ज्ञान का स्रोत, जहां ज्ञान का प्रसार था, वह कश्मीर देश था। इसमें हजारों पंडित थे, इसको पढ़ने वाले वंस अपॉन ए टाइम, इसमें क्षेमेंद्र भी अपने ग्रंथ में लिखते हैं, और राज तरंगिणी, प्रथम राज तरंगिणी कल्हण, और उसमें द्वितीय में श्रीवर का राज तरंगिणी में, और उनके तीसरे राज तरंगिणी में ये सभी विषय उल्लिखित हैं, और ग्रंथ रक्षण की भी बात वहां है। उसी तरह से भारत में बहुत पहले जिस तरह से एक विशेष विद्या थी, जैसे लोहा बनाना, जिस लोहे का किसी तरह से जंग ही नहीं लगता, इसको बाद में डमास्कस रोड के नाम से, डमास्कस में जो खड्ग के नाम से बताने लगे इतिहासकारों ने, उसका जो सोर्स है, जो लोहे बनाने की जो तरीका है, यह एक विशिष्ट टेक्निक था। और कुछ विद्याओं का, जैसे अंशुमालिनी जिसको बोलते हैं, सूरज के किरणों से ट्रीटमेंट की बात आज हम करते हैं, और अंशुमालिनी जो भारद्वाज महर्षि जी का योगदान मानते हैं इसको, कई ऐसे जो वैज्ञानिक ग्रंथ हैं, इन सभी का स्रोत, ग्रंथ स्रोत अभी हमारे पास में नहीं है, लेकिन इस तरह से जो शारदा ग्रंथ है, जिसको परंपरा में यह मान्यता थी, कोई भी ग्रंथकर्ता अगर नया कोई ग्रंथ लिखेगा, उस ग्रंथ को शारदा पीठ में समर्पित करेगा, तब उसको नॉलेज के कैटेगरी में ले आएगा। इस तरह से बहुत लंबी परंपरा थी, राजतरंगिणी में इसका उल्लेख है। इसीलिए इसी परंपरा के तहत जो भी आचार्य हुए हैं, वो जरूर एक न एक बार अपने जिंदगी में कश्मीर के तरफ गए और वहां अपने ग्रंथ का प्रवचन किया, उस ग्रंथ में नया जो ज्ञान है उसको उन्होंने वहां सबसे पहले उनके सामने रखा। अर्थात ये पूरी देश का जो नॉलेज ट्रेडिशन है, उसको जोड़ने वाला एक अद्भुत धरोहर है, जो आज के दिन में यह बता दिया जाए कि NMM और IGNCA के पास में यह संपूर्ण, मेरे ख्याल से संपूर्ण है प्रताप आनंद जी, यह IGNCA के पास में संपूर्ण संरक्षित है, सुरक्षित है। तो इतना बड़ा भंडार है आपके पास में है, इसको अच्छे से खोज कर, इसका जो एक एक श्लोक में भी नई पंक्तियां हो सकती हैं, नया अर्थ हो सकता है, इसको विद्वानों द्वारा देखने दिखवा दिया जाए, तब पता लगेगा कि इनका जो है ना महत्व, जो आज के दिन में जो रिलेवेंस है, यह स्थिर होगा। और एक बात है जो इतिहासकार जानते हैं और गणितज्ञ भी जानते हैं, जो खोटान प्रांत है,
जो नॉर्थ वेस्ट साइड में जो खोटान प्रांत है जहां पुराने जितने भी पांडुलिपियां मिली उनमें एक विशेष पांडुलिपि है जो साहित्य शास्त्र की है, जिसको पाकिस्तान ने रोम में भेंट किया, वह है भामहालंकार की एक कमेंट्री। साहित्य शास्त्र में एक भामह जिनका ग्रंथ है, उस भामह का एक कमेंट्री वहां मिली, खोटान में मिली, एक बेत के एक जिसको कहते हैं बटुए बोलते हैं, बेत के एक बड़ा बॉक्स में यह रखा हुआ था। उस बॉक्स में जब मिला उनको, बहुत पुराना बॉक्स था, वो लगभग फट गया था, उनको रोम में ट्रांसफर किया गया, दिया गया रोम इंस्टीट्यूट द्वारा। ये इसका फ्रैगमेंट्स छपे हुए हैं, लेकिन अभी भी इसकी पूरी पूरी कोई किताब अभी तक नहीं छपी है। इसका पूरा खोज होना जरूरी इसलिए है कि यह कश्मीर का टेक्स्ट था। अपनी जो साहित्य या पोएटिक्स का जो ट्रेडिशन है, उस ट्रेडिशन को इस ग्रंथ के द्वारा जोड़ा जाए। उसी तरह से एक अद्भुत ग्रंथ है जो अपने ट्रेडिशन में पढ़ाते हैं, साहित्य वाले पढ़ाते हैं, जो नाट्यशास्त्र के लिए आज के जितने भी ट्रेडिशन है, जो डांस के ट्रेडिशन है, नाट्यशास्त्र के ट्रेडिशन है, चाहे मॉडर्न हो चाहे प्राचीन हो, दोनों तरह से देखा जाएगा। एक भट्टतोत नाम से एक पंडित थे, बहुत पुराने, जो अभिनव गुप्त के गुरु रहे, उनका एक टेक्स्ट रहा हृदय दर्पणम। इसका नाम है हृदय दर्पण, हृदय दर्पणम होगा, अगर ग्रंथ होगा हृदय दर्पणम होगा, शास्त्र होगा। उस हृदय दर्पण का जो है एक या दो पंक्तियां मिलती है और कोई भी टेक्स्ट अभी तक नहीं मिला है, जो कश्मीर ट्रेडिशन का बहुत अद्भुत ग्रंथ है, जिसको कहा गया है, कई जगह कोट भी किया। हो सकता है आपका जो संग्रह है इसको एक एक को बारीकी से देखा जाए, क्योंकि शारदा ग्रंथ को देखना ही बहुत कठिन काम है, क्योंकि उसमें एक एक ग्रंथ में एक एक बंडल में कई सारे ग्रंथ होंगे, छुपे होंगे, उसको अच्छे तरह से देखना होगा, ताकि हमारा जो धरोहर है, इतिहास को खोलने वाला है, इतिहास में जितने भी ग्रंथकार हुए हैं, जो लेखक हुए हैं या शास्त्रकार हुए हैं, उन्होंने जो चिंतन को सामने रखा था, उस चिंतन को दोबारा उजागर करना, यह भी बहुत महत्वपूर्ण विषय है। उसी तरह से हम लोग देखते आते हैं कि मैं एक बार बहुत पहले प्रताप आनंद जी से भी मिला था, लगभग 15 साल पुरानी बात है या 10 साल पुरानी बात है, 2008-09 की बात। मैं आपसे कुछ विषय प्राप्त करने के बाद में मैं राजस्थान भी घूमा, और राजस्थान में एक आमेर फोर्ट है, आप लोग जानते हैं, आमेर फोर्ट का संग्रह है, अद्भुत संग्रह है। लेकिन होता क्या है, इतिहास हम लोग भूल जाते हैं, भूल इसलिए जाते हैं, इस तरह का इतिहास को हमने नहीं पढ़ा है। हुआ क्या है, ये जो आमेर फोर्ट में जितने भी पांडुलिपि संग्रह थे, वे सभी संग्रहों का, उन सभी संग्रहों का मूल है कश्मीर का है। वो सभी ग्रंथ एक न एक जमाने में कश्मीर के संग्रहों के कॉपी के रूप में किए गए थे, क्योंकि उसमें मैंने एक जगह देखा, श्री पत्तन वास्तव्येन लीम्बाकेन लिखितम पुस्तकम, ये लिखा। आप समझ लीजिए, श्री पत्तन का इसमें दो, श्री पत्तन से लिखा है, वो शारदा में लिखा हुआ, तो या तो आज का श्रीनगर होगा या पाटन हो सकता है। पाटन में लोग बोलते हैं कि शारदा में लिखने वाले भी कुछ थे, आए थे एक जमाने में, तो पाटन हो सकता है। लेकिन ये राजस्थान में मिला, वो भी जयपुर में मिला, जयपुर राजाओं का कश्मीर राजाओं के साथ में बहुत संबंध भी रहे, वैवाहिक संबंध भी हुए हैं वहां, मतलब अपने संबंध भी हुए हैं। इस कारण से जो श्रीपत्तन वास्तव्येन लिम्बाकेन लिखितम पुस्तकम, ये पंक्ति मिलती है, आप सोचिएगा, श्रीपत्तन वास्तव्येन श्रीनगर का निवासी था, उसने इस ग्रंथ को लिखा। यह मुझे मिला जयपुर में, मिला ये पंक्ति, बहुत रेयर टेक्स्ट है। मैंने कई मेरे सर साथियों को भी बोला, उसमें केवल 8 या 9 पन्ने थे, शारदा लिपि में 940 में 970 या 73 में लिखा हुआ वो ग्रंथ है,
उसको अपूर्ण मुझे शारदा लिपि का मिला, अभी भी मैं अनुसंधान कर रहा हूँ उसके संपूर्ण शारदा लिपि का टेक्स्ट मुझे मिले, अभी तक मिला नहीं, लेकिन उसका केवल अंतिम कोलोफोन ही मुझे मिला, श्रीपत्तन वास्तव्येन लिम्बाकेन लिखितम पुस्तक। अर्थात हम जो पुरानी कड़ी को आज के दुनिया में जोड़ना चाहते हैं तो पांडुलिपि को छोड़कर और हमारे जो शिलालेखों को छोड़कर और कोई भी रास्ता नहीं है, उसको हमको दोबारा खोजना होगा। हमारे जो एंशियंट इंडियन हिस्ट्री डिपार्टमेंट है, प्राचीन इतिहास विभाग है, उन विभागों को पुनर्जीवित करना होगा, उनमें जो छात्र पढ़ते हैं उनके आंखें खोलनी होंगी और उसमें इस तरह के पांडुलिपियों के बारे में जागरण करना होगा, उनको जागृत करना होगा, तब जाके यह जो बहुत बड़ा कार्य है मैनुस्क्रिप्ट कलेक्शन इनका आज का रिलेवेंस उसको हम जनजन तक ले जा सकते। और हम जाते हैं कई ऐसे भी दुनिया के कई सारे हैं, एक बार ऐसे ऐसे चर्चा करते मैंने एक बार एक ग्रंथ प्राप्त किया जो पांडुलिपि है जिसका कॉपी ही मैंने प्राप्त की है। यह अपना अभी अब तो ये बहुत सारे जगह से छपा हुआ है। सबसे पहले तो एक किताब है ये सुषेण का जो है पथ्यापथ्य विवेक, एक ग्रंथ मिलता है इसका छपा हुआ एक प्रति है वो मद्रास में, अभी केवल जेरॉक्स मिल सकती है, इसकी शायद छपी हुई किताब भी नष्ट हो गई। ये पथ्यापथ्य विवेक है सुषेण का नाम से, इसकी एक ही पांडुलिपि है जो पुरानी है फट गई है, ये ग्रंथ लिपि में लिखी है GOML मद्रास में है। इतना बहुत रेयर ग्रंथ है, इसमें आजकल जो डायटेटिक्स पढ़ाते हैं ना कई विश्वविद्यालयों में या होम साइंस में या माने हुए प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में आधुनिक एक कोर्स है डायटेटिक्स, वो जो आहार शास्त्र बोलते हैं, अर्थात भोजन में भोजन को किस तरह बनाया जाए। जैसे कुछ बातें ऐसे हैं भिंडी के साथ में कुछ ऐसे चीजों को ना जोड़ा जाए जो कहा जाता है विरुद्ध आहार होगा, मतलब दोनों वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों भोजन आहारों में कुछ चीजें नहीं जोड़नी चाहिए, कुछ चीजें जोड़ सकते हैं, ये जो पूरे आहार की पद्धति है इसके बारे में सुषेण के ग्रंथ में बहुत विस्तृत रूप में बताया गया है। आज के दिन में आपको आश्चर्य होगा कि यह ग्रंथ जो है कहीं भी प्रचार में नहीं आया। इसमें बताया गया कि फलाने रोग में ये भोजन आपको करना चाहिए, इस तरह से आहार सेवन करना चाहिए, उन्होंने ये बताया, आप देखिए कैसे कौन से लेबोरेटरी में उन्होंने टेस्ट किया, उन्होंने बताया कि ये परंपरा में तो ये नॉलेज है, गंगा जी की पानी, गंगा जी का पानी यह उसका गुण ये है, यमुना जी का पानी का ये है, गोदावरी नदी का यह क्वालिटी है और कृष्णा नदी का यह क्वालिटी है और बारिश के आप इतने महीने में पानी का जल का नदी जल सेवन करें तो यह रोग आएगा, इसलिए बारिश के सीजन में नदी जल से सावधान रहे। देखिए इस तरह के जो आधुनिक वैज्ञानिक जो इंफॉर्मेशन है उन्होंने श्लोक रूप में छंदोबद्ध श्लोक रूप में उन्होंने पूरा उसमें जोड़ा। ये तो इस तरह का जो नॉलेज है, अगर हम डायटेटिक्स जो आज के विश्वविद्यालयों में जो चलाए इस तरह के कोर्स चलाते हैं, मेरे ख्याल से इससे तो अपने भारत का जो पुराने परंपरा रही उस परंपरा का बहुत आधुनिक दृष्टि से उजागर। इस तरह के ग्रंथों का संग्रह जो है हमारे पास में उसको आगे रखना है और इस तरह से और भी कई सारे ग्रंथ हैं, जैसे पथ्यापथ्य विवेक है, भोजन कुतूहलम है रघुनाथ का है जो प्रसिद्ध ग्रंथ है, जो इसको दो तीन लोगों ने छपाया है, मेरे अंदर भी मेरे अधीन में एक PhD भी इस पर हुई है, जो भोजन कुतूहलम इस ग्रंथ का नाम है, उस भोजन कुतूहलम लगभग ये 15 सदी के आसपास का है, जो महाराज शिवाजी के जमाने का है। ये इसमें भोजन के विषय में समग्र संपूर्ण भारत वर्ष में कहां कहां के लोग कैसे भोजन तैयार करते हैं और उसमें क्या क्या पदार्थ है कैसे है
चावल के बारे में बताया गया है। एक बहुत प्रसिद्ध चावल है जिसको शष्टिकम बोलते हैं, जिसका जो क्रॉप जो है ना 60 दिन में आता है। आज के दिन में तो आपको 32 दिन में भी या 40 दिन में 38 दिन में क्रॉप आता है, और उसमें शाष्टिकम जो है चावल है उसके बारे में बताया गया, जो आज के दिन में नॉर्थ एनईआर एरिया में, नॉर्थ ईस्टर्न पूर्वोत्तर राज्यों में, ये जो शाष्टिकम इसका कलर थोड़ा सा काला भी होता है, जो बहुत एनर्जेटिक होता है, ये एनर्जी इसमें है। और ये भी बताया गया है बहुत लंबे दिन तक जिसका इस तरह से प्राप्त होता है, धान प्राप्त होता है, उसमें क्या क्या गुण होते हैं, इस तरह के उसमें सभी विचार है। और आधुनिक दृष्टि में भी इसमें बहुत सारे विषय दिए। एक जो है ना स्वीट बनता है जिसको श्रीखंड बोलते हैं, बहुत प्रसिद्ध है महाराष्ट्र में, जिसका बहुत ज्यादा प्रसार है, और उसको जो है ना श्रीखंड को कैसे कैसे बनाया जाएगा, इलायची का श्रीखंड बनाया जाएगा, आम का श्रीखंड बनाया जाता है, लीची का श्रीखंड बनाया जाता है, और इस तरह से जो फलों से जो श्रीखंड बनाते हैं, यह सभी वर्णन है। जो आज के दिन में जो होटल है या जूस सेंटर है, जो आइसक्रीम बनाते हैं, यह सभी का जो सूक्ष्म विषय जो है ना 15 सेंचुरी में, 15 और 16 सेंचुरी के बीच में, ये जो भोजन कुतूहल में, इस तरह से कई सारे बातें हैं जो आज के दिन में हमने इसको उजागर नहीं किया है। हम सोचते हैं कि यह बात हमारे सामने सामने ये उठकर आई है, नहीं, ये पुराने पांडुलिपियों में, पांडुलिपि का जो परंपरा रही, उस पांडुलिपि परंपरा का एक भाग है, इसको प्रचारित करना होगा। प्रचारित करने से इसका जो महत्व है वो प्रकाशित होगा। और हम थोड़ा सा और भी कई जगह में जाते हैं, कई कई बार मेरा जहां भी जाता हूं मैं खोजता हूं कि इस तरह का कोई इंफॉर्मेशन हमको मिले। एक बार ऐसा मौका मिला आईसीसीआर के द्वारा, इस तरह से लोगों ने मुझे थोड़ा 6-7 महीने इंडोनेशिया में रहने का एक मौका मिला, तो लोगों ने मुझे बोला कि भाई यहाँ कुछ ऐसे ऐसे मंदिर है, आप थोड़ा सा उनके आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट में, मैंने ऐसे ही उन लोगों को साथ लेके गया। मैं इसलिए थोड़ा इंटरेस्टेड होके वहां देखा, देखिए हम लोग इधर कहते हैं, जैसे आईजीएनसी द्वारा भी एक रामायण पर एक बहुत लगभग 87-90 के आसपास में रामायण पर एक विदेशी ऑथर का, एडिटर का एक किताब आईजीएनसी से छपी, लेकिन वो किताब मुझे मिली नहीं, लेकिन उसका पीडीएफ जरूर मुझे मिला नेट में, उसमें ये इंफॉर्मेशन है। उसके बाद मैंने उसको देखा भी, एक टेम्पल है जिसका वो हिंदू टेम्पल मानते हैं, वहां हिंदू टेम्पल है ही, इसको प्रांबणन बोलते हैं, प्रांबणन टेम्पल है, बहुत प्रसिद्ध है, मंदिर है, देवस्थान है, वहां 3 मंदिर है एक ही जगह, एक ही कॉम्प्लेक्स में। वहां दुर्गा जी का मंदिर है, छोटा सा है, और कृष्ण का मंदिर है, शिव जी का मंदिर है, और ब्रह्मा जी का मंदिर है, बहुत रेयर है ब्रह्मा जी का मंदिर। सेंट्रल में ब्रह्मा है, साइड में शिव जी है, उस साइड में विष्णु शिव जी का, कृष्ण का है, और सामने दुर्गा जी का है। 3 मंदिर एक लाइन में है, उसमें बीच में ब्रह्मा है, राइट साइड में शिव जी का है, लेफ्ट साइड में कृष्ण का है, और सामने दुर्गा जी का है। ये उसका स्ट्रक्चर है, ये तो बहुत प्रसिद्ध है। वहां रिलीफ्स है जो रामायण रामायण का, जैसे दशरथ द्वारा, दशरथ जी को अग्नि द्वारा पायस दिया जाता है, वहां से लेके राम श्री राम पट्टाभिषेक तक भित्तियों में संपूर्ण चित्र आरचित है, रिलीफ्स है। आप वहां का एक सीनरी है जो मारीच जो है ना, मारीच वध का सीनरी है, भारत में किसी भी जगह में वो सीनरी नहीं मिलती है, इतना सटीक है। जो रामायण में एक जगह वाल्मीकि का इस तरह का वर्णन है, पेड़ के नीचे भगवान राम जी खड़े हैं और बाण प्रयोग वाली के ऊपर हो रहा है, वहां जो है ना 7 पेड़ है, मतलब इस तरह का जो एग्जैक्ट सीनरी का पूरा चित्र है वहां बना हुआ, और वाली का वो है, उसी तरह से मारीच का सीनरी है दूसरा,
जो मारीच है, मारीच के ऊपर में बाण प्रयोग होता है, उसके सिर से जो है जब वो मृग जो है ना, जो हिरण है, नीचे जब गिरता है, नीचे गिरने से पहले यह प्रथा रही कि राक्षस ऊपर उठ जाते हैं। वो एग्जैक्ट उस तरह का जो चित्र है, जो बहुत लाइव चित्र है, वह वो रिलीफ्स में। मेरा ये कहना है कि यह जो हमारा ग्रंथ धरोहर है, मैं इसको अगर परिशीलन करूंगा, हमारे जो बड़ौदा रिसर्च इंस्टीट्यूट बड़ौदा से जो रामायण का क्रिटिकल एडिशन निकला, आप सोचिए इसका वैश्विक महत्व है, इसको वैश्विक दृष्टि से देखना चाहिए, ताकि ये जो हमारा ग्रंथ यहाँ था, ये समुद्र को भी पार करके उधर गया। ये कब का है? ये 9वीं सदी का है। वो लोग वहां 9वीं सदी बोलते हैं, इसका हो सकता है 7वीं सदी तक आएगा ये खींच, अगर हम इसको बहुत अच्छे से देखें। और एक वहां और एक ग्रंथ हुआ जिसको बोलते हैं रामायण ककविन। रामायण ककविन एक कविता, वहां महाकाव्य, उस महाकाव्य में भी ये बात है, लेकिन ये जो मारीच की बात है वो एस इट इज नहीं है उसमें ककविन। मैंने उसका अध्ययन किया पंक्तिशा, उस रामायण ककविन में बात कुछ अलग है, लेकिन वहां जो रामायण का जो सीनरी है वो तो वाल्मीकि रामायण से सीधा सीधा संबंध है। मैंने इस पर अनुसंधान भी किया। तो उसी तरह से एक बगल वाला जो भगवान कृष्ण का जो मंदिर है, उसको वहां रिलीफ्स भी, वहां भी चित्र है, जिसको वो लोग बोलते हैं कृष्णायनम बोलते हैं, मतलब कृष्ण के ऊपर में ये पूरा है, ये पूरा भागवत का रिफ्लेक्शन। मेरा कहना ये है, अपने पांडुलिपि धरोहर भी अगर आप परिशीलन करेंगे, यह लिखा हुआ है बड़ौदा एडिशन में, 1000 से भी ज्यादा, 1080 ऐसे मातृकाओं का उन्होंने संग्रह किया क्रिटिकल एडिशन रामायण के लिए। महाभारत के लिए तो और भी बहुत संग्रह मंगाए गए, उस टाइम में कॉपी करने के लिए बहुत बहुत दिक्कतें थी, तथापि उन्होंने उस समय में लैंडिंग किया, दूसरे जगह से मंगाए या उसको कॉपी करके मंगाए, संग्रह किया। महाभारत और रामायण इन ग्रंथों का जो संपूर्ण संग्रह है, पांडुलिपियों का संग्रह है, वह संग्रह प्रत्येक देश के साथ में भारत का जो पुराना संबंध है, उसका जो सांस्कृतिक धरोहर है, उसको जोड़ने वाला है। और IGNC के द्वारा यह भी एक प्रयत्न करना होगा कि अपने जो रामायण महाभारत पुराण इत्यादि से जुड़ा हुआ जो क्षेत्र है, उसके संबंध उजागर करने वाला ऐसा एग्जीबिशन भी होना चाहिए। जैसे आप सोचिए स्कंद पुराण में काशी खंड है, उसी तरह से गोकर्ण खंड है, कई सारे जो ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन है। हमारे हिस्ट्री के जो छात्र एंशियंट इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं, शायद वो लोग तो ये बात देखते ही नहीं है कि स्कंद पुराण में जो, जिस स्कंद पुराण को आज के जो बहुत कटु विमर्शक भी 7वीं सदी के आगे नहीं लाते, जो मैनुस्क्रिप्ट परंपरा का जो बहुत विमर्श करते हैं, नेगेटिवली करते हैं कि भारत में पांडुलिपियों में कई ऐसे ग्रंथ को बाद में जोड़े गए हैं, वो लोग भी स्कंद पुराण को 7वीं सदी तक बांध लेते हैं, उससे आगे नहीं लाते हैं। लेकिन इसका अर्थ यही है, 7वीं सदी तक ग्रंथों में कई सारे नगरों का, नगरियों का, छोटे छोटे कस्बों का, जहां भारत का सांस्कृतिक धरोहर बना, उन सभी के बारे में वर्णन है। मैं बेसिकली तिरुपति से आता हूं, इसलिए मुझे एक बहुत विशेष बात कहना है। वहां एक जगह है कालहस्ती, लोग देखे होंगे, 35 किलोमीटर पूरब में है तिरुपति से कालहस्ती। वहां एक नदी बहती थी, आज के दिन में नदी नहीं है, ये नाला जैसा हो गया है जो कालहस्ती में, उसका नाम है स्वर्णमुखी, वो नदी थी। देखिए एक बहुत एक एक 100 श्लोकों का एक पद्य संग्रह है, इसका नाम है कोकिल संदेश। उसका लेखन हुआ लगभग 14वीं सदी में, जब रेड्डी किंग्स थे। रेड्डी किंग्स उनका समय माना जाता लगभग 1373 के आसपास, 73 से
1485 तक लगभग माना जाता है, अर्थात 100 सदी उनको देते हैं। रेड्डी किंग्स उनका डायनास्टी है, ये लगभग विजयवाड़ा के आसपास ये लोग रहे। उस समय का यह ग्रंथ है, यह काव्य है कोकिला संदेश, वो रामेश्वरम से लेके ये रेड्डी किंग्स वहां तक ये पूरा कोकिल का एक संदेश यात्रा है। जैसे मेघदूतम है उसी तरह से संदेश यात्रा का वर्णन। उसमें ये जो स्वर्णमुखी जो रिवर है आज के दिन में जो खत्म हो गई है, उसके बारे में उसका पूरा मानचित्र दिया हुआ है। कालहस्ती के आसपास में जो भी व्यवस्था है, ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन है, वो उस ग्रंथ में। तो आप सोचिएगा, प्रत्येक जगह को जोड़ने वाला यह ग्रंथ आपको इसमें मिलेगा। और एक नेल्लूर एक जगह है, वही आंध्र तिरुपति से लगभग 70 किलोमीटर दूरी में है एक नेल्लूर एक जगह। वहां एक जमाने में, आज के दिन में तो मिलता है नहीं मिलता है अभी रिसर्च का विषय है, ये एपिग्राफिका इंडिका में एक बहुत अमूल्य एक सूचना है। बड़े बड़े तालाब कैसे खोदे गए, ये आज के इंजीनियरों को भी ये देखना है। बड़े बड़े जो डैम बनाते हैं, सरोवर बनाते हैं, ये भगवान से, ये कुदरत से तो किया हुआ है, बड़े बड़े सरोवर तो किए ही है, लेकिन बड़े इंजीनियर भी अपने मेहनत से, अपने दृष्टि से बड़े तालाब कर सकते हैं। एपिग्राफिका इंडिका में ये इंफॉर्मेशन है। एक अनंत सागर नाम से एक बहुत बड़ा सागर अभी भी है नेल्लोर के आसपास में, ये वाटर कलेक्शन सेंटर है, और इसमें यह इंफॉर्मेशन है बड़ा सरोवर का। जैसे भोपाल में सरोवर है, उसी तरह से झील जिसको बोलते हैं बहुत बड़ा है, जिसका जो है ना कम से कम 50 किलोमीटर होगा, 100 किलोमीटर होगा, ये झील कैसे बनता है। उसमें यह संस्कृत में श्लोक है, 14 झील के 14 दोष होते हैं, झील के 7 गुण होते हैं, यह उसमें इंफॉर्मेशन। मैं इसलिए इसको बोल रहा हूं, आज के दिन में जो लैंडस्लाइडिंग होता है ना, मान लीजिए पर्वत के ऊपर में बहुत बड़ा झील है, झील भर गया, ऑटोमेटिकली लैंडस्लाइडिंग होगा। तो झील कैसे होना चाहिए, उसमें लिखा हुआ है तीनों तरह से, तीनों दिशाओं से अगर बहुत बड़ा पर्वत है, एक तरह से अगर ओपनिंग है, और उसमें भी ओपनिंग कैसा है, सांप जैसा ओपनिंग होना चाहिए, सांप जैसे चलता है सीधा सीधा ऊपर से नीचे, अगर पानी खुद जाएगा नीचे गांव साफ हो जाएगा, वो धीरे धीरे जैसे सांप चलता है उस तरह से टेढ़ा मेढ़ा आके अगर पानी नीचे आएगा, वह जो झील है वह झील बहुत शाश्वत का झील है। यह इंफॉर्मेशन एपिग्राफिका इंडिका का एक जगह श्लोकों में लिखा, अर्थात इसी तरह से पांडुलिपियों में भी यह इंफॉर्मेशन मिलेगा कि किस तरह से जल का संरक्षण संग्रह करने के लिए हमारे पांडुलिपि में विद्यमान जो भी इंफॉर्मेशन है वो कैसे उपयोग हो सकता है, ये हमको बाहर लाना होगा इस तरह के सूचना। उसी तरह से और भी एक बार हम चर्चा कर रहे थे किसी विद्वान से, उन्होंने हमको यह बताया, ये भी जितने भी हमारे ग्रंथ है, इस ग्रंथों का तो हम लोग स्कैन करते हैं, डिजिटाइज करते हैं, इन सभी का नॉलेज प्रिजर्वेशन दृष्टि से संग्रह तो करते ही, लेकिन इनमें ऐसे कई बातें हैं जिन बातों को अपने बुद्धिमत्ता से हमको जोड़ना, बुद्धि से जोड़ना होगा, बुद्धि के द्वारा हमको जोड़ना है। कैसे जोड़ा जाएगा इनको, केवल इसमें विद्वानों की सहायता चाहिए, विद्वानों के इंटरप्रिटेटिव पावर से आपको जोड़ना होगा, तब आप इन प्राचीन ग्रंथों में नए अर्थ निकाल पाए। देखिए, एक हस्तिशास्त्रम है, अश्वशास्त्रम है, ये छपा हुआ है, ये भी जीओएमएल से छपा, जो आज के वेटरनरी साइंस के लिए बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ। हाथी का जो भी बीमारियां हैं, कितने तरह से बीमारियों को लिखा हुआ है उसमें, हाथियों को क्या क्या बीमारियां होती हैं, ये सब के बारे में लिखा हुआ है। क्योंकि देखिए, हाथी जो है ना जंगल में रहता है,
कई बार उसको छोटे मोटे सांप भी काटते हैं, छोटे मोटे जो बहुत विषैले नहीं है, बट इन्फेक्शियस तो है ही। लेकिन आज के जमाने में हमारे अगर मानवों के बीच में कोई अगर ऐसी बीमारी आ जाए जिस बीमारी के लिए हमारे पास में तुरंत कोई औषधि ना हो, लेकिन जंगलों में जैसे हाथी है या कोई और भी प्राणी है उसके बारे में अगर ग्रंथ लिखा हो, उसके विष के बारे में लिखा हो, वह पूरा हमको परिशीलनीय है। विश्वविद्या जिसको बोलते थे जांगलम बोलते थे, जांगल जो विश्वविद्या का नाम है संस्कृत में जांगलम, जांगलम बोलते हैं। जांगलम का अर्थ है द साइंस विच गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट पॉइजन्स एंड ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजन्स, जिसको जांगलम जांगलिकम जांगलम बोलते हैं, बहुत विशिष्ट शब्द है। आप राजस्थान और गुजरात में देखिएगा कई लोगों का सरनेम है जांगीड़ है, जांगीड़ भी है जांगड़ भी है, इसका मतलब है उनके पुराने लोग इस विषय चिकित्सा में बहुत बड़े विद्वान लोग थे, लेकिन उनसे पूछेंगे उस शब्द का अर्थ उनको पता नहीं, जांगीड़ बोलते हैं। और ये जो अपने बाहों में तायत बांधते हैं ना, वो उस तरह की भी चिकित्साएं थी, जिस चिकित्सा ये हाथियों में जो हस्त शास्त्रम बोलते हैं या अश्व शास्त्रम बोलते हैं, अश्व के लिए हॉर्स ट्रीटमेंट के बारे में, इन ग्रंथों में बहुत सूक्ष्मता से उसके जो केमिकल कंपोजिशन है जिसको आज के दिन में हम लोग वैक्सीन के नाम से जानते हैं, पुराने जमाने में भी ये हाथियों को और ये जो घोड़े हैं इन इनके ट्रीटमेंट में ये जो सोने का सूक्ष्म सुई है उसका उपयोग करते थे। मुझे इसलिए यह इंफॉर्मेशन देना जरूरी है, हमारे पूर्वजों ने दो हाईएस्ट इन्वेंशन किया था, जिस इन्वेंशन के लिए अब हमको इसकी उद्घोषणा करनी पड़ेगी, इसलिए करनी पड़ेगी। एक है शहद, दूसरा है ये जो गोल्ड है। देखिए शहद में जो दवाई मिक्स करके खाने से हमारे नसों में वो पहुंचेगा, यह जो इन्वेंशन है भारतीय इन्वेंशन, ये जो मधु है शहद है उसमें किसी अच्छे दवाई को मिक्स करके अच्छे से हथेली में उसको मांझते हैं, मांझने के बाद में वो दवाई देते हैं। ये इसलिए देते थे, वो दवाई अगर वो शहद में मिक्स हो गया, वह जो शहद है दवाई से संयुक्त जो है वो पूरे हमारे शरीर में उसको फैलाएगा, यह था। उसी तरह से जो घृत है जो घी है, आयुर्वेद में इस घी के द्वारा दवाई देने का इन्वेंशन, घी में मिक्स करके दवाई देते थे, वो शरीरों में शरीर के नसों में सब जगह वो पहुंचता। उसी तरह से गोल्ड जो सोना बोलते हैं उस सोने का भी भस्म उसका ट्रीटमेंट के लिए उपयोग, अच्छे से पका हुआ उस भस्म का उपयोग करते थे, उसको इसी शहद में मिला के मिक्स करके उसको अच्छे से मांझते थे, उसके बाद उसको जहां जहां पहुंचाना था, यह केवल वो मीडियम था जो शहद है हनी है उसमें मिक्स करते थे तब जाके वो पहुंचता। अर्थात आज के दिन में हम सुई के द्वारा इंजेक्शन देते हैं, लेकिन उस जमाने में वो लोग इसको अपनाए थे, इस पद्धति को, अर्थात शहद द्वारा वो अपने नसों में दवाई पहुंचा। यह अपने ग्रंथों में लिखा हुआ है, अगर हम वो ग्रंथों में इसको क्यों लिखे हैं इसके तरफ अगर ध्यान देंगे तो हमको पता लगेगा। यह इंफॉर्मेशन, यह सूचना, ये जो हमारी परंपरा है पांडुलिपि परंपरा है, उस परंपरा से ही तो प्राप्त है, प्रैक्टिस जो स्किल है उसी के द्वारा यह प्राप्त। अगर एक दिन हमको कोई पूछेंगे, एक प्रश्न और है, कोई हमसे पूछेगा अरे ये सब तो छप गया है सबको पता है और इस तरह के सूचनाएं हमको पता है और ये पांडुलिपियों का क्या जरूरत है। देखिए अगर आप पांडुलिपि को छपा हुआ किताब को, छपे हुए किताब को अगर एक व्यक्ति माने, उस व्यक्ति को अपने पूर्वजों का माता पिता दादा दादी पिता माँ पिता माँ इनको पता ही नहीं है तो उसकी स्थिति क्या होगा, वो इतिहास में जो है ना वो केवल बीच में रहेगा त्रिशंकु जैसे। अगर हमारे छपे हुए किताबों के पीछे
इतनी लंबी पांडुलिपि परंपरा है, इसलिए वह ग्रंथ प्रामाणिक है, यह हमको बोध होगा। इसको हमको जैसे आज के दिन में लैबोरेटरी में टेस्ट करने के बाद उसको प्रमाणित मानते हैं। अगर हम किसी पांडुलिपि ट्रेडिशन में किसी ग्रंथ को अगर जानते हैं, मानते हैं, तो आपको यह मानना होगा कि इस पांडुलिपि के पीछे में और भी हजारों पांडुलिपियां हैं। अगर चरक का जो ग्रंथ है अगर आज छपा हुआ है, हमको यह कहना होगा यह चरक का ग्रंथ केवल छपा हुआ नहीं है, यह ग्रंथ जो है ना सबसे पहले चरक महर्षि ने जो लिखा उस परंपरा से लेके आज के बीच में पूरी कड़ी बनी हुई है, ये प्रैक्टिस्ड है, ये अनुभव वेद्य है, अनुभव से उन्होंने जाना, इसको लोगों के बीच में ले गए इस वैद्य विद्या को। उसी तरह से प्रत्येक विद्या को, योग विद्या को, नाट्य शास्त्र को, उसी तरह से अपने अपने विचारों का मनोविद्या जिसको बोलते हैं मनशास्त्र को। कई बार हम लोग चर्चा करते हैं, चर्चा करते करते हमारे बीच में कई ऐसे पंक्तियां आ जाती हैं जिस पंक्तियों का अर्थ ढूंढने के लिए हमको पांडुलिपि में जाना पड़े, मैनुस्क्रिप्ट में जाना पड़े। आप सोचिए महाभारत में जो क्रिटिकल एडिशन जो भांडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट से जिसका प्रकाशन हुआ था, हुआ है, जो उपलब्ध है, उसमें सौप्तिक पर्व में एक बात है। मैं इसलिए बता रहा हूं, इस जो ग्रंथ परंपरा है, ग्रंथ परंपरा से हमको वैश्विक दृष्टि को जोड़ना इसमें है, जरूर इसके अंदर है, उस वैश्विक दृष्टि को हमको उजागर करना, तब जाके ये जो मैनुस्क्रिप्ट कलेक्शन एंड इट्स इंपॉर्टेंस मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत में इसका समन्वय कैसे बिठाना है, इनको आधुनिक जनजीवन में इसका उपयोग कैसे है, आधुनिक जो दृष्टि है जिसको बोलते हैं सॉफ्ट डिप्लोमेसी की बात बोलते हैं अगर वैश्विक स्तर में, और अपने विद इन द नेशन होगा तो राज्य है, वहां जो लर्निंग सिस्टम है, प्रत्येक राज्य की अपनी भाषा है, अपने लोग हैं और उनको अपना इतिहास है, प्रत्येक राज्य का अपना इतिहास है, और उसके साथ साथ में हम लोग सब जुड़े हुए हैं, एक ही बहुत बड़ा ये भारत राष्ट्र है, इसका हम लोग नागरिक हैं, तो ये पूरा दृष्टि है। इस दृष्टि का जो हम लोग बोलते हैं कि आज के दृष्टि में अयम निज परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानां वसुधैव कुटुंबकम्, जो पूरा प्रपंच एक परिवार है, पूरा संसार एक परिवार है, जो बात है वह ये मैनुस्क्रिप्ट से ही सबसे पहले सिद्ध होगा, क्योंकि हमारा जो पांडुलिपि है ये इंग्लैंड में भी है, अमेरिका में भी है, वियतनाम में भी है, इंडोनेशिया में भी है, चाइना में भी है, आप सब जगह में मिलते हैं, और पाकिस्तान में भी है, पाकिस्तान के जो लाहौर विश्वविद्यालय उसके शेल्फ में काशीनाथ कुंटे जी का संग्रह पड़ा हुआ है, तो उनके है, और उसी तरह से अफगानिस्तान के लाइब्रेरी में भी होंगी, तो ये है, और इसको हमको उजागर करना हो, और एक एक का, और बहुत महत्वपूर्ण बात यह है, कई देश थे जैसे USSR जिनके टुकड़े हो गए और उनके अलग अलग देश हो गए, लेकिन उनके जो पांडुलिपि संग्रह है उनके पांडुलिपि संग्रह में भी कई मातृकाएं हैं, कई पांडुलिपियां हैं जिनको प्राचीन अध्ययन के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है उनका अध्ययन करना, जैसे लेनिनग्राड में जो सेंट्रल म्यूजियम है, हमारे पुराने कई वेद शाखाओं का उनके पास में है, लक्षण ग्रंथ है, वहां जो ऐताल जी वहां थे, कार्य कर रहे थे, और भारत सांस्कृतिक मंत्रालय जो है कल्चर मिनिस्ट्री के द्वारा डेप्यूटेड थे, उन्होंने वहां के ग्रंथागारों में जो वेद के लक्षण ग्रंथ के जो जितने भी मैनुस्क्रिप्ट हैं जो लेनिनग्राड में जो संग्रहित है उनके जो सेंट्रल लाइब्रेरी में, उनके बारे में उन्होंने काफी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन अपने ग्रंथों में उन्होंने दिए हैं। और इस तरह से अगर हम लोग अपने पूरे समग्र दृष्टि से अगर हम लोग देखें तो आप यह कह सकते हैं कि आज के दिन में केवल ये संग्रह निर्जीव संग्रह नहीं है, The lively collection, manuscripts are the lively collection and they are very relevant for modern India and they should be studied, they should be prescribed, they should be once again open for research and
they should be made available for those who are very much interested in the research. This is all I would like to submit before this Scholar August Assembly and to all of you. So for this opportunity, I thank one and all. यह अवसर के लिए मैं आप सभी को धन्यवाद अर्पित करता हूं और कोई बात हो थोड़ा मैंने 10 मिनट ज्यादा ही लिया लेकिन इसलिए लिया कि इसके बारे में कुछ बता सकूं। यह ऐसा विषय नहीं है कि मैं आपको 40 मिनट या 50 मिनट में संपूर्ण कर दूं। आप इसको खोलते जाएंगे नया नया विषय आएगा और क्यों यह महत्वपूर्ण है, क्यों जरूरी है आधुनिक इंडिया के लिए, आधुनिक भारत के लिए। और इसको हम ऐसा कभी भी यह एक ताल पत्र है, भूर्ज पत्र है जिसका रिलेवेंट खत्म हो गया, ऐसा कभी नहीं कर सकते। ये हमेशा के लिए अपने पास रहना चाहिए और भारत का जो भी पांडुलिपि देश में कहां कहां बिखरे हैं कोशिश यह करना चाहिए मूल रूप में मिले, नहीं तो उसका डिजिटल कॉपी भारत में संग्रहित हो, उस पर अध्ययन हो, अपने विश्वविद्यालयों का आंख खुले और नई संतति नई पीढ़ी जो आ रहे हैं उनके लिए भी यह महत्वपूर्ण। इतने ही कहते हुए मैं अपने वाणी प्रणाम। धन्यवाद विरूपाक्ष जी, आपने जिस तरह से इसको समेटा, मैं सोच रहा था कि ये विषय इतना बृहद है, पता नहीं कैसे आप एक घंटे में इसको कंपाइल कर पाएंगे, लेकिन आपने बहुत ही मुख्य बिंदुओं पे रखा। केवल एक इंफॉर्मेशन आपको देना था, जो कंबोडिया के अंकोर मंदिर के ऊपर में हम लोगों ने कुछ काम शुरू किया है और वहाँ पे जो भित्ति चित्र हैं, बास रिलीफ्स हैं, उसमें 8 मेजर हैं जो आउटर साइड में हैं, उसमें एक हेल एंड हेवन पैनल जो है वहाँ पे, उसके ऊपर मैं काम शुरू किया हूँ और जितने पुराने ग्रंथ हैं उनको मैं खंगार रहा हूँ क्योंकि वो मेरा एरिया नहीं है। इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट मैं वो ट्राई कर रहा हूँ कि किसी तरह से जो उसमें जिन नरकों का या स्वर्गों का वर्णन है उसको किस तरह से अपने शास्त्रों के साथ रिलेट कर सकें कि हम लोग उन रिलीफ्स को ठीक से समझ सकें। इतना ही आपसे इंफॉर्मेशन देनी थी और मैं सरवुल को बोलूँगा कि वो आगे के लिए वोट ऑफ थैंक्स। नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि हम आप जानते हैं कि एनएमएम राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन की स्थापना साल 2003 में हुई थी और मिशन का मुख्य उद्देश्य भारतवर्ष में पांडुलिपियों का सूचीकरण, उसका संरक्षण, उसका रिजर्वेशन करना है। और सारी डिटेल्स हमारे जो हमारे डायरेक्टर मिशन डायरेक्टर हैं प्रोफेसर प्रताप आनंद झा सर, वो विस्तृत रूप में आपको दे चुके हैं। और मैं बस बताना चाहता हूँ कि वर्ष 2005 से मिशन ने तत्वबोध व्याख्यान माला की शुरुआत की थी और तत्वबोध व्याख्यान के अंतर्गत होने वाले सभी व्याख्यान को मिशन प्रकाशित भी करता है। आज के इस तत्वबोध व्याख्यान माला के अंतर्गत आयोजित पांडुलिपि संग्रह और आधुनिक भारतीय संदर्भ में उनका महत्व के अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर हमारे जो भी मेंबर सेक्रेटरी सर हैं जो कि इसके अध्यक्षता करने वाले थे, किसी वजह से वो हमसे जुड़ नहीं पाए, उनको आना था, किसी वजह से वो आ नहीं पाए और हमने इस बेहद ही इम्पोर्टेंट बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर हमने प्रोफेसर विरूपाक्ष यज्ञपाल सर को सुना और इसमें इसमें जो सारी जानकारियाँ थी वो इतनी प्रासंगिक थी और इतनी महत्वपूर्ण थी कि जिसका लाभ मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे श्रोताओं को जरूर मिलेगा। और ये जो व्याख्यान जो है ये नई युवा पीढ़ी को इस विषय के विभिन्न आयामों पर शोध करने के लिए जरूर जरूर प्रेरित करेगा, बाध्य करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका इस कार्यक्रम में आप आए, काफी कम समय में आप आए, इसके लिए हम आपके आभार प्रकट करते हैं, आपको शुक्रिया अदा करते हैं सर। और सर कला केंद्र के हमारे जो सदस्य सचिव हैं डॉक्टर सचिदन जोशी जी, उनके हम आभारी हैं जिनका स्नेह, उनका प्यार, उनका मार्गदर्शन हमें हमेशा ऐसे कार्यक्रम को आयोजित करने में मिलता रहता है। मिशन के जो निदेशक हमारे हैं प्रोफेसर प्रताप आनंद झा सर, हम उनके शुक्रगुजार हैं, आभारी हैं जिनके कुशल मार्गदर्शन में ये कार्यक्रम आयोजित हो पाया। मैं अपने मिशन के सभी